हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले किसी प्रीवियस ईयर की यदि आउटस्टैंडिंग डिमांड आपके ऊपर लगाई गई है तो उसका कैसे पेमेंट करेंगे, उसकी रिप्लाई कैसे सबमिट करेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आउटस्टैंडिंग डिमांड क्या होता है। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग डिमांड का मतलब होता है कि आपको जो टैक्स पे करना था वो आपने नहीं किया। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर को फाइल कर दी, आपकी ओरिजिनल आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है रिफ़ंड के साथ, और उसके बाद आप अपनी आईटीआर को फिर से रिवाइज करते हैं तो वहाँ पे डिमांड की लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक केस दिखाना चाहूँगा। असेसमेंट ईयर 23-24 का ये केस है। हो सकता है कि आपका असेसमेंट ये 24-25 में आपके साथ ऐसा हुआ हो। 7 अगस्त को प्रोसेस होता है रिफंड के साथ, और रिफंड जो है बैंक अकाउंट में 8 अगस्त को क्रेडिट हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों 7 अगस्त को जब आईटीआर प्रोसेस होती है तो इसका इंटीमेशन लेटर इस पर्सन को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंटीमेशन लेटर रिसीव हुआ, इसको जब हमने ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असेसमेंट ये 23-24 के लिए जो यहाँ पे रिफंड प्रोसेस हुई है वो 1,24,570 प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई गई है दोस्तों, वो टोटल इनकम है 6,50,000 रुपीस की। ठीक है, ये टोटल इनकम काफी इंपॉर्टेंट होती है, और ये वाली जो इनकम होती है ये आपने अपने आईटीआर में दिखाई हुई है। और यहाँ पर जो ये वाली इस साइड की इस कॉलम की जो इनकम है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एक्सेप्ट करता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे सिंपली दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पे 3,338 रुपीज का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो यहाँ पे टोटल रिफंड बना वो बना 1,24,574। और दोस्तों, ये रिफंड क्या हो गया, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे जब रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, इसके बाद फिर से ये आईटीआर रिवाइज की जा रही है। अगेन आईटीआर 1 को फिर से रिवाइज किया गया, और यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आईटीआर प्रोसेस हो रही है वो डिमांड के साथ प्रोसेस हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले वाली आईटीआर थी उसमें जो टोटल इनकम था वो था 6,50,000 रुपीस का। इसके बाद जब ये आईटीआर रिवाइज की जाती है तो रिवाइज करते समय ये जो इनकम यहाँ पे डिक्लेयर की गई वो की गई 8,53,000 की इनकम यहाँ पे डिक्लेयर की गई। यहाँ पे जो रिफंड का अमाउंट आपने अपने आईटीआर में क्लेम किया हुआ है, जो यहाँ पे प्रोसेस किया गया है, ऑलमोस्ट दोनों अमाउंट सेम है, और यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज किया गया है, तो टोटल मिलाकर के ये अमाउंट आपका रिफंड का बना 85,968। तो जब डिपार्टमेंट ने आपकी आईटीआर को पहले ही प्रोसेस कर दिया है और उसमें जो भी रिफंड बनना था वो आपको पूरा पूरा रिफंड इशू कर चुका है, और फिर से जब आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो वहां पे दोस्तों यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो उस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपको फिर से रिफंड इशू नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ये रिफंड अमाउंट इशू कर चुका था, अब जब रिवाइज हो रही है तो रिफंड का अमाउंट इतना दोस्तों बन रहा है। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करता है कि ये अमाउंट जो आपका आ रहा है ये एक्चुअल में रिफंड का अमाउंट है, और जो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे रिफंड अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाया है ये अमाउंट डिपार्टमेंट आपसे मांगता है। मतलब इसके लिए दोस्तों डिपार्टमेंट आपको क्या करता है, डिमांड की नोटिस जारी करता है। दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड रीजन होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए वो होता है डिडक्शन क्लेम्ड विथ नो प्रूफ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो डिडक्शंस का यहाँ पे चैप्टर 6A का ऑप्शन होता है, जब आप अपनी इंटीमेशन लेटर को ओपन करते हैं तो उसमें सब कुछ दिख जाता है कि आपने जो अमाउंट क्लेम किया हुआ है 80C से लेके 80U तक का, और जो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है वो अमाउंट क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 80C क्लेम किया, 80CCD2 क्लेम किया, 80D क्लेम किया, लेकिन आपके पास इसमें से 80D का कोई प्रूफ ही नहीं है, आपने फेक डिडक्शंस क्लेम कर लिया। 80C में भी आपने पूरा 1,50,000 क्लेम कर लिया लेकिन एक्चुअल में आपकी अमाउंट कुछ और है। तो दोस्तों, ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंट इसको डिसअलाउड कर सकता है। जैसे यहाँ पे 1,50,000 आपने क्लेम किया तो डिपार्टमेंट यहाँ पे
लेट सपोज कि 75,000 क्लेम कर सकता है, या फिर आपने 64 क्लेम किया यहाँ पे जीरो कर सकता है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या करता है कि डिडक्शंस जो भी आपने क्लेम किया उसको डिस अलाउड भी कर सकता है, कभी कभी इसके लिए आपको नोटिस भेजता है कि आप जो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं इसका प्रूफ दीजिए। यदि आप प्रूफ नहीं देते हैं तो उस केस में वो डिस अलाउड करके और आपके ऊपर डिमांड की लाइबिलिटी लगा देता है। और यहाँ पे जो थर्ड रीजन होता है वो होता है कि आपने अपनी आईटीआर प्रिपेयर कर ली और आपके आईटीआर में टैक्स का अमाउंट आ रहा था, या फिर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं और उस केस में आपकी इनकम जो है लेट सपोज कि ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक है और न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक है, और आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में लेट फीस आपको पे करना होता है 1,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द केस। यदि आपने बाई मिस्टेक अपनी आईटीआर को बिना लेट फीस पे किए हुए या फिर बिना टैक्स अमाउंट को पे किए हुए आपने फाइल यदि कर दी है तो आपको उसका आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस 100% डिपार्टमेंट आपको इशू कर सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि टैक्स यहाँ पे टोटल ड्यू हुआ 12,463 का और यहाँ पे रिबेट मिल गया 87A में 12,463 का। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि ये आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल हो रही है तो 1,000 रुपीज का लेट फीस यहाँ पे पेमेंट करना है। जब आपका लेट फीस बन रहा है आपने पे नहीं किया तो आपको कुछ समय के बाद आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस आ सकती है। प्रीवियस ईयर के भी कुछ लेट फीस होते हैं आईटीआर के जो कि लोगों को पता ही नहीं होता है और उनके जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे वो आउटस्टैंडिंग डिमांड उनका कंटिन्यू जो है ऐड होता चला जाता है। तो इसलिए अपनी आईटीआर को जब भी फाइल करें आप तो जो लेट फीस आपकी आ रही है उसको आप जरूर पहले पे कर लें, जो टैक्स अमाउंट आ रहा है उसको पहले पे करें जिससे कि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस ना आए। सेक्शन 133(6) की नोटिस आपको इसलिए रिसीव होती है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अपने आईटीआर में आपने डिडक्शंस क्लेम किया एग्जेम्पशंस क्लेम किया उसके लिए आपसे वो क्लेरिफिकेशन चाहता है, एक्सप्लेनेशन चाहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेक्शन 133(6) की जो नोटिसेस मिलती हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है सब्जेक्ट मैटर में सेक्शन 133(6) की नोटिस और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल बाय यू ये ऐसे करके कुछ मेंशन होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो रिफंड आपने क्लेम करा है वो रिफंड का अमाउंट भी मेंशन होता है और यहाँ पे आपको सेक्शंस भी इसमें मेंशन रहता है नोटिस में कि आपने कौन कौन से सेक्शंस में यहाँ पे डिडक्शंस क्लेम किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिपार्टमेंट ये नोटिस भेजता है कि आप क्या करें इसके लिए इंफॉर्मेशन दे एविडेंस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 10 डेज की टाइम लिमिट मिलती है सेक्शन 133(6) का रिप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे यदि आपने इसकी रिप्लाई सबमिट नहीं की टाइम लिमिट के अंदर तो उस केस में देख सकते हैं यहाँ पे पेनाल्टी भी मेंशन होती है कि कितना पेनाल्टी आपको हर दिन पे करना है जब तक कि आप इसकी रिप्लाई सबमिट नहीं कर देते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया उसको सबमिट आप नहीं कर देते हैं। यदि आप दोस्तों इसको भूल चुके हैं तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करता है असेसमेंट खुद करता है और आपको उस केस में जितने भी डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं उसको डिस अलाउ कर सकता है और उसके बाद आपके ऊपर डिमांड की लायबिलिटी लगा सकता है। तो ये भी एक रीजन होता है सेक्शन 133(6) का जिसके तहत कि आपको नोटिस डिमांड की इशू की जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी आईटीआर को फाइल की विथ लेस पेमेंट ऑफ सेल्फ एडवांस टैक्स, आपका जो भी टैक्स बना आपने क्या किया पूरा फुल पेमेंट नहीं किया, आपने पार्टली क्या किया टैक्स को पे किया और आपने उसका बीएसआर कोड चालान नंबर ये सब अपडेट करके आपने आईटीआर को फाइल कर। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि आपको डिमांड की नोटिस भेजी जाती है कि जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप पे करिए। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो टीडीएस हमारा काटा गया है उसमें जो डिडक्टर का 10 नंबर है ठीक है वो यदि मिसमैच करता है उसमें कोई दिक्कत आती है तो उस केस में वो टीडीएस अमाउंट भी हमारी रिजेक्ट हो जाती है और उसके लिए फिर हमको डिमांड की लायबिलिटी हमें इशू कर दी जाती है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए टैक्स लायबिलिटी एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी इतने की आई, डिपार्टमेंट ने भी यही एक्सेप्ट किया और यहाँ पे देखिए टीडीएस जो कटा है वो कटा है 202 रुपीज का लेकिन डिपार्टमेंट इसको 0 मान रहा है। ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट इस टीडीएस को कंसिडर ही नहीं किया है।
तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई और टीडीएस आपने माइनस करा दिया, रिमेनिंग जो आया उसको आपने पे कर दिया और आपने अपनी आईटीआर को फाइल कर दी, आपका यहाँ पे बैलेंस जो टैक्स आया आपके अकॉर्डिंग वो जीरो आ गया। लेकिन डिपार्टमेंट ने जब इस टीडीएस को कंसिडर ही नहीं किया, तो उस केस में क्या किया उसने, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही है, जितना आपने पे किया हुआ है और जो टैक्स लाइबिलिटी है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके वो क्या कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई ये आपको पे करना है। दोस्तों जब आप इसका रीजन समझेंगे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने टीडीएस को क्यों रिजेक्ट किया है, तो और यहाँ पे देखिए रीजन भी मेंशन कर रहा है कि क्यों मिसमैच की सिचुएशन हो रही है, मतलब डिपार्टमेंट यहाँ पे जो टीडीएस ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है उसको वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसका रीजन यहाँ पे मेंशन किया कि ये जो 10 नंबर है, इस 10 नंबर में कुछ इश्यूज है जिसके वजह से कि जो क्रेडिट है टीडीएस की वो आपको नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है प्लीज रेफर टू द नोट, तो नोट में आप जब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि इन 5 रीजंस की वजह से डिमांड की नोटिस हमें रिसीव होती है, और डिमांड की जब नोटिस रिसीव होती है तो उसका इंटीमेशन भी हमारे मेल आईडी पे भेजा जाता है। कई बार लोग मेल आईडी को चेक नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चल पाता है और वो ईयर भी गुजर जाता है, और जो डिपार्टमेंट ने आउटस्टैंडिंग डिमांड आपके ऊपर लगाई है उस पर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करता चला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग डिमांड को कभी भी हल्के में मत लीजिए, जब भी आता है तो उसकी रिप्लाई जरूर करें, उसका पेमेंट करें यदि आपको लगता है कि सब कुछ सही है। तो दोस्तों इसके लिए 2 तरीका है डिमांड आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे करने का। पहला तो होता है कि आप उसको पे कर दीजिए और नोटिस की रिप्लाई सबमिट कर दीजिए। दूसरा ये होता है कि यदि आपने आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे नहीं किया तो आपका वो जो डिमांड है वो एज इट इज कंटिन्यू चलते चला जाएगा, और जिस ईयर में आपका रिफंड बनेगा उस ईयर में रिफंड के अमाउंट से आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट हो जाएगा। यदि कुछ बचता है तो फिर नेक्स्ट ईयर में आपका रिफंड बनेगा तो वहां से वो एडजस्ट होगा। इस तरीके से जब तक ये आउटस्टैंडिंग डिमांड आपका एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक डिपार्टमेंट आपको रिफंड इशू नहीं करेगा, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको डिपार्टमेंट सेक्शन 245 का नोटिस भेज के तभी आपके करेंट ईयर के रिफंड अमाउंट से आउटस्टैंडिंग डिमांड को एडजस्ट करेगा। तो आउटस्टैंडिंग डिमांड को कभी भी हल्के में मत लीजिए, जब भी आता है तो उसकी रिप्लाई जरूर करें, उसका पेमेंट करें यदि आपको लगता है कि सब कुछ सही है। तो दोस्तों इसके लिए 2 तरीका है डिमांड आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे करने का। पहला तो होता है कि आप उसको पे कर दीजिए और नोटिस की रिप्लाई सबमिट कर दीजिए। दूसरा ये होता है कि यदि आपने आउटस्टैंडिंग डिमांड को पे नहीं किया तो आपका वो जो डिमांड है वो एज इट इज कंटिन्यू चलते चला जाएगा, और जिस ईयर में आपका रिफंड बनेगा उस ईयर में रिफंड के अमाउंट से आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट हो जाएगा। यदि कुछ बचता है तो फिर नेक्स्ट ईयर में आपका रिफंड बनेगा तो वहां से वो एडजस्ट होगा। इस तरीके से जब तक ये आउटस्टैंडिंग डिमांड आपका एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक डिपार्टमेंट आपको रिफंड इशू नहीं करेगा, ठीक है। और दोस्तों आउटस्टैंडिंग डिमांड को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है, और यहां पे आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना। यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का अमाउंट दिखेगा, यदि आप इसको पे नहीं करते तो फिर इंटरेस्ट वगैरह उस पे चार्ज होता चला जाएगा, अदरवाइज आप इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पर पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा टैक्स का, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेमेंट के काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे जाएंगे और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है कि जैसे ही पेमेंट करेंगे चालान जनरेट हो जाएगी और इसके बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। आपको एक तो BSR कोड, चालान नंबर और यहाँ पे डेट आपको ये नोट डाउन कर लेना है। फिर इसके बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप चले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको ऐसे इसको नहीं छोड़ना है, आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ये 2 ऑप्शन आते हैं कि डिमांड इज करेक्ट और दूसरा होता है डिसएग्री विथ डिमांड। यदि आप डिमांड
करेक्ट है तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है, और यदि आप इससे डिस एग्री करते हैं तो फिर आपको इसमें रीजन प्रॉपर मेंशन करना होगा, जिसमें कि काफी सारे रीजंस आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिमांड इस करेक्ट पे हमने क्लिक किया हुआ है क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिस एग्री, यदि आपने डिमांड इज करेक्ट पे क्लिक कर दिया तो फिर आप इसको डिस एग्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्या आपने जो डिमांड अमाउंट है उसको पे कर दिया, तो यस हमने पे कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे चालान की डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ पे आप चालान जो भी था उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आउटस्टैंडिंग डिमांड आपने पे किया है तो रेगुलर असेसमेंट टैक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 200 रुपीस डालेंगे और जो बीएसआर कोड मैंने आपको भी बताया था ये बीएसआर कोड आपको वहां पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ये सारी डिटेल्स डालने के बाद कुछ रिमार्क्स वगैरह भी आपको डालना है, इसकी रिप्लाई में कुछ आपको देनी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप सिंपली इसको सेव कर देंगे। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है, और कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्पांस जो है आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड की सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ओपे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जब आप इसकी करंट स्टेटस आप चेक करेंगे पेंडिंग एक्शन में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाके, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पॉन्स आपने सबमिट कर दिया। यहाँ पे सबमिट करने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, डिमांड इज करेक्ट। अब ये आपका ये जब प्रोसेस होगा तो ये अपडेट हो जाएगा, आपके यहाँ से आउटस्टैंडिंग डिमांड हट जाएगी। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।